दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेटनेस के बारे में। दोस्तों टेटनेस के बारे में बताया गया है कि ये बीमारी गाय के गोबर और घोड़े के गोबर से बहुत जल्दी फैलती है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया है कि धूलकण मिट्टी से ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो टेटनेस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी, ये किस बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, साथ में इसके लक्षण क्या होते हैं, ये बीमारी कितने दिनों तक रहती है, साथ में इससे क्या जान जाने का खतरा रहता है, ये सारी चीज़ें आज इस छोटे से वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों जो टेटनेस होता है, टेटनेस बीमारी कब होती है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए टेटनेस का जो बैक्टीरिया होता है, जब किसी व्यक्ति को कहीं पे कट लग जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसको कोई जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, तो टेटनेस जब जख्म होता है उस समय नहीं होता है उसको। उसके बाद में जब वो व्यक्ति धूलकण मिट्टी के संपर्क में जाता है या फिर गाय के गोबर पे, किसी का मान के चले अगर किसी के हाथ पे कट लग गया, वो उसी हाथ से गोबर उठा रहा है, उसी हाथ से धूलकण मिट्टी को उठा रहा है, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का। जो एक क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया होता है, तो ये गोबर, गाय के गोबर और घोड़े के गोबर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपको कट लगा है तो गाय के गोबर और घोड़े के गोबर से बचना चाहिए, साथ में धूलकण मिट्टी में नहीं रहना चाहिए, ये आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति को टेटनेस हो जाता है तो सबसे पहला जो लक्षण होता है उसको जबड़े कसने लगते हैं। मतलब ये जो बीमारी होती है मांसपेशियों को अकड़ देती है, मांसपेशियों को बहुत टाइट कर देती है, जिसकी वजह से इंसान को बोलने में दिक्कत होने लगती है। जब उसका जबड़ा बहुत ज़्यादा कस जाता है तो उसको बोलने में दिक्कत होने लगती है, उसके पूरे शरीर की जो मांस, जितनी भी मांसपेशियाँ, वो अकड़ जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। ये सबसे पहला जो लक्षण होता है वो मुँह का जबड़ा जो होता है, दाँत कस जाना बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उसके जो शरीर का स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो बैकबोन पीछे का साइड होता है, वो बहुत ज़्यादा अकड़ जाता है, वो कुछ हिल डुल नहीं सकता है। ठीक है, बहुत गंभीर समस्या होती है। टेटनेस के जो मरीज होते हैं तो बहुत ही उनकी सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति को टेटनेस का वायरस, टेटनेस का जो बैक्टीरिया होता है वो फैलता है, तो उसके लिए आपको जैसे कोई चोट लग जाता है, एक चीज़ आपको और बता दें, केवल चोट लगने की वजह से नहीं होता है, इसमें इसके कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे किसी को चोट लगना, किसी का एक्सीडेंट होना, कोई सेविंग करवा रहा है, अस्तूरे से कट जाना, इसके अलावा या फिर कोई पुरानी सुई अगर कोई यूज़ कर लेता है, मान के चलिए अगर उसका ब्लड निकल रहा है और उसी संपर्क में वो धूलकण मिट्टी उसको पड़ जाती है या फिर गोबर वगैरह उसको पड़ जाता है, तो उसमें वो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नाम का बैक्टीरिया होता है वो उसके ब्लड में चला जाता है, तो फिर वो अपना एक्शन करने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसके सीवियर कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, जब आपको ये कट लगता है या फिर कोई चोट लगती है, तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाएं या फिर डॉक्टर, जो आपका नज़दीकी क्लिनिक है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपने डॉक्टर को बताएं, फिर वो टेटनेस का इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर आप इन चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बड़ी जानकारी मिल पाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछेंगे, आपके लिए स्पेशल हम कमेंट का जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।